बिहार की सियासत में इन दिनों किसी की सबसे अधिक डिमांड है तो वह चिराग पासवान। जैसे चिराग का मतलब ही हो गया है जीत की गारंटी, इसलिए चिराग को कोई मनाने में लगा है तो कोई उनकी काट खोजने में। बिहार के सियासत के सबसे बड़े चेहरे सीएम नीतीश भी चिराग की ताकत से इतने घबरा गए हैं कि चिराग के खिलाफ अनाप शनाप तक बोलने लगे हैं। फिलहाल चिराग का झुकाव एनडीए की तरफ है। प्रबल संभावना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में वो एनडीए की ओर से सीएम पद का चेहरा हो। जैसे ही इस बात की चर्चा चली कि एनडीए की ओर से चिराग सीएम फेस हो सकते हैं, तब से ही चिराग महागठबंधन के नेताओं के निशाने पर है। राजद और जदयू के नेता खुलकर चिराग पर हमला बोल रहे हैं, वहीं एनडीए में चिराग की तारीफ के पुल बांधे जा रहे हैं सिर्फ एक नाम छोड़कर, वो है पशुपति कुमार पारस। पारस लगातार चिराग के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, वो भी तब जब चिराग को एनडीए में वापस लाने के अभियान में खुद केंद्रीय मंत्री अमित शाह जुट गए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि पारस की इतनी हैसियत कैसे हो गई कि जिस नेता को अमित शाह मना रहे हो, पीएम मोदी मिलने के लिए बुला रहे हो, उसके खिलाफ वो विश्व भरी बातें करे। जानकारों की माने तो चिराग पर जुबान भरे पारस खुल रहे हैं, लेकिन ये शब्द बिहार बीजेपी के एक बड़े नेता का है जो फिलहाल केंद्र की सरकार में मंत्री भी है। कम समय में ही एक केंद्रीय मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी के करीबी बन गए थे। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व उन्हें बिहार में अपना चेहरा बनाना चाह रही थी। विधानसभा चुनाव 2020 में अपने समर्थकों को उन्होंने खूब टिकट भी दिलवाया। जब सरकार बनने की बात आई तो बिहार बीजेपी की पहचान बन चुके सुशील मोदी, नंदकिशोर यादव और प्रेम कुमार को साइडलाइन करवा दिया और तारकिशोर प्रसाद और रेणी देवी को डिप्टी सीएम बना दिया। ऐसा भी एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया। केंद्रीय मंत्री को लगा था कि अनजान चेहरे को पद मिलेगा तो अपने बादशाहत बनाए रख सकते हैं, वहीं पुराने चेहरे शायद उनकी बात मानेंगे। जब नीतीश कुमार ने पाला बदलकर राजद से हाथ मिलाया तो केंद्रीय मंत्री को खुलकर बैटिंग करने का चांस मिल गया, इसलिए अंदरूनी तौर पर वो अपनी गोटी सेट करने में जुट गए। हालांकि बिहार की सियासत में बगैर गठबंधन के सफल होना फिलहाल किसी के बस की बात नहीं है, इसलिए केंद्रीय मंत्री ने चिराग पासवान से संपर्क साधा और उन्हें एनडीए में वापस आने का निमंत्रण दिया। केंद्रीय मंत्री को लग रहा था कि चिराग मान गए तो दलित और युवाओं का सपोर्ट बीजेपी को मिल जाएगा, जिसके बाद वो आसानी से सीएम बन जाएंगे। चिराग को मनाने के लिए उन्हें मोदी सरकार में मंत्री पद का भी ऑफर दिया गया, लेकिन चिराग उनके ऑफर को लगातार टालते गए। इसी बीच बोचहा विधानसभा उपचुनाव शुरू हो गया। बोचहा के दलितों ने बीजेपी नेताओं को चिराग के साथ किए गए बुरे सलूक के लिए खूब सुनाया था, इसके बाद बीजेपी के नज़र में चिराग की अहमियत और बढ़ गई। उसके कुछ दिनों बाद ही गोपालगंज और मोकामा उपचुनाव का भी समय आ गया। दोनों ही सीटों पर जब प्रचार शुरू हुआ तो बीजेपी नेतृत्व को दोनों ही सीट पर खतरे का आभास हो गया, जिसके बाद फिर से चिराग को मनाने की कोशिश शुरू हुई, लेकिन चिराग मना करते रहे। आखिर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह इस अभियान में जुट गए। पीएम मोदी ने भी चिराग से फोन पर बात की, जिसके बाद चिराग दोनों ही सीटों पर प्रचार के लिए राजी हो गए। चिराग के मोकामा गोपालगंज में प्रचार करने से जैसे जादू हो गया, लगभग हार चुकी गोपालगंज में बीजेपी जीत गई। वहीं मोकामा सीट पर भी अनंत सिंह को बीजेपी ने कड़ी टक्कर दे दिया। माना जाता है कि ऐसा चिराग के सपोर्ट करने से हुआ, जिसके बाद चिराग की अहमियत रातों रात किसी फिल्म स्टार से भी बढ़कर हो गई। एनडीए में चिराग को सीएम फेस बनाने की मांग होने लगी। बीजेपी नेता भी दबी जुबान में चिराग का नाम आगे बढ़ाने लगे। जैसे ही इसकी भनक बीजेपी के केंद्रीय मंत्री को लगी तो वो बेचैन हो गए, लेकिन दिक्कत ये थी कि चिराग के खिलाफ वो खुलकर कुछ नहीं बोल सकते थे, इसे बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व नाराज हो सकता था, इसलिए उन्होंने पारस से संपर्क किया। पारस को विश्वास दिलाने में कामयाब हो गए कि चिराग अगर अमित शाह और पीएम मोदी के करीब बन गए तो उनका मंत्री पद खतरे में है, इसलिए चिराग के काट के लिए उन्हें बयान देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने साथ ही पारस को भरोसा दिलाया कि उनके रहते पारस का मंत्री पद कोई नहीं छीन सकता है, जिसके बाद से ही
पारस लगातार चिराग के खिलाफ बयान दे रहे हैं। उधर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व फिलहाल सब कुछ देख और सुन रहा है। अभी तक पारस को किसी ने कुछ नहीं कहा है। माना जा रहा है कि कुरहंडी विधानसभा उपचुनाव से पहले अमित शाह पारस को भी नाराज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कुरहंडी विधानसभा उपचुनाव के बाद शायद पीएम मोदी पारस के पर कतर दे तो आश्चर्य नहीं होगा। वहीं साजिश के सूत्रधार बीजेपी के केंद्रीय मंत्री को भी शीर्ष नेतृत्व के कोपभाजन का शिकार होना पड़ सकता है। हाँ, इतना जरूर तय है कि चिराग का पावर इससे घटेगा नहीं बल्कि और बढ़ेगा ही। गांव तक बिहार की रिपोर्ट। अब ऑर्गेनिक तरीके से रखें खुद के साथ किचन के बर्तनों और बाथरूम के टॉयलेट का ख्याल। अकासा लेकर आया है ऑर्गेनिक हैंड वॉश, शैम्पू, टॉयलेट क्लीनर के साथ ढेर सारे प्रोडक्ट जो करे आपका और आपके घर का कंप्लीट केयर।